है। हमारे मैं आप सभी को बताऊं कि एक कलाकार पिछले 6 घंटे से आप सभी को एंटरटेन कर रहे हैं और कलाकार अपनी मेहनत अपनी सच्ची लगन से कैसे कैसे आप देख रहे होंगे हम लोगों को किस तरीके से मैनेज करना पड़ता है और इतना मैनेज करने के बाद थोड़ी ऊपर थोड़ी गोरखपुरिया भौजी तो हम कायो देवर पौना कब कहेगा थोड़ा सा भौजी थोड़ा नाच के दिखा भौजी थोड़ा ठुमका लगा अगर हमरे ना आई तो हमारे बेइज्जती ना हो जाई थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि राजा मोरा कि पिया मोरा रखवा हो गई आगा चल 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 अगा हो गई चल चल अगा तालियां होना चाहिए डॉक्टर रीता पांडे जी से गुजारिश करूंगा मैं मंच पे आ जाएंगे अभी आपको भाभी जी को अवार्ड मिल गया है तो कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है जो प्रोड्यूसर राम राम भैया लोग ये देखिए पागल दो पागल मिलके पागलपंथी कर रहे हैं तो मैडम मैडम पागल को मैडम करके मुझे भी पागल बनना पड़ेगा क्या राम राम तो आप कमी घड़ा दी अभी ये पागल पंथी कमा खड़ी अभी ये पागल पंथी क्यों हो रहा है मैं पागल पंथी नहीं कर रही हूँ यार तो अभी कुछ तो मैंने भी देखा बोल देला तू ते अरे इनक तो देख लिए राजा मोर राजा हो जो निकलो कोतिया उहा सबतिया बोसेले कहां जाए तुम अरे कहां जाए आप लोग बताइए ये पागलपंथी नहीं है डांस कर रही है कि नहीं कर रही है सब ऐसे भी कोई डांस करता है बताइए जाए के बाद अवार्ड शो में तो वहाँ अगर हमरा से केहू बोल दी कि ए हो गोरखपुरिया भौजी तो हम कायो देवर पौना कब कहेगा थोड़ा सा भौजी थोड़ा नाच के दिखा भौजी थोड़ा ठुमका लगा अगर हमरे ना आई तो हमारे बेइज्जती ना हो जाई थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि राजा मोर चंचल का डांस देखिए आप लोग ये तो कुश्ती लड़ रही है एक झुलुआ झूल रही है कि अब देखिए कैसे नाचेगी मेरी कि राजा महाराजा अरे तक कलकतिया नहीं दिल्ली जा सके नहीं ना और दिल्ली गुजरात चाहे बॉम्बे नहीं दिल्ली गुजरात बॉम्बे गोवा चाहे झाझा जाए के बात तो जाए रोक बनाए राजा अरे अंतर मंतर जादू जंतर टोना कोसले की राजा मोरा की पिया मोरा जल्दी बतावा जाई का अकल मोरा जा हो जनी कल कोतिया उहा सवतिया तो आप लोग देखी हमारे लाडली बोल बेटा चाचा लोग से बोला गुड मॉर्निंग चाची लोग गुड मॉर्निंग चाची लोग कैसे आप लोग नमस्कार प्रणाम हम गोरखपुरी होजी के छुटके थे छुटके गोलकन डांस कई के ओए हे मेरी लाडली ए हमारा प्यार के बदला में बोला का देले बड़ा हो तू तीन गो लड़का देले बानी तू जब देले बड़ा हो खाली चाय मंगले बड़ो हो ए लेकिन एक बात बताई रहे लोग से मकलबो बड़ी निक बड़ी प्यार करेला बड़ी ब्लाउज किन लेबा बड़ी चश्मा किन लेबा ए राजा 5000 दे देता कोई हाथ पैर टूटने वाला है तो आप लोग समझ सकते हैं जब हाथ पैर टूटता है तो क्या आता है अभी देखिए क्या कर रही है बच्चों की तरह से भी चला रही है आप लोग समझ सकते हैं क्या बनाया है क्या बनाया है अभी देखिए छनछन अपनी गाड़ी लेके स्कूटी लेके गई है और समझ सकते हैं रेस लगाने के लिए छनछन अभी रेस लगाएगी अपनी गाड़ी से स्कूटी से देख लीजिए छनछन क्या कर रही है ये देखिए छनछन अग्गा हो गई अग्गा है छनछन छनछन अग्गा हो गई समझ सकते छनछन अग्गा हो गई ये देखिए छनछन कहाँ जा रही है छनछन अग्गा हो गई ना सिया तुम फिर बोलोगी अच्छा ये बताओ 10-11 दिन में मेरा बर्थडे आ रहा है
अच्छा ये बताओ एक दिन में कितनी बार पिटाती हो? एक दिन में 10 बार पिटाती है कम से कम, मिनिमम 10 बार मार खाती होगी। जीत गई आपसे, देखो गई और आगे जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। ये देखिए छन छन जा रही है रेस लगाने के लिए। बताइए तुम्हें चलाने आता है? तो तुम बच्चे में क्या चाहती हो? मैं अपना फ्लेवर वाला पिंक वाला कपड़ा पहनूं। देखिए छन छन ड्रेस लगा रही है मम्मी से, तो अभी छन छन ड्रेस लगा रही है अपनी मम्मी से। छन छन ड्रेस लगा रही, इसी से अगुआ जाओगी तुम, चलाओ कसके। फाइनली फ्रेंड अभी आप लोग देखिए कि हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं, तो बाय बोलो, बाय बाय। अब घूमिएगा नहीं ठीक है, अंदर जाइए गेट बंद करिए, घूमिएगा नहीं ठीक है, चलिए जाओ खा लो खरीद के। तो देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं, ये रही हमारी गाड़ी, तो चलते हैं अपनी गाड़ी में बैठते हैं। फाइनली फ्रेंड अभी देखिए हम लोग एक नींद मार चुके हैं, आप लोग देख लीजिए, और एक नींद मार चुकी है और हम गाड़ी चला के चाय पीने जा रहे हैं। और खरीला बात के पहली बार 3 घंटे तक 2 घंटे तक मैंने चाय नहीं पिया है, आप समझ सकते हैं। लगातार गाड़ी चला रहे हैं हम, कहानी जमुआई के बाद वैसे बड़ी आँखें मुलने रम नहीं पता चली, सन सन जियरा करते रहा ऐसा ही गाड़ी चलाते रहना डर लगत रहा। तो चलिए चलते हैं चाय पीने। फ्रेंड अभी आप हम लोग आ गए हैं बस्ती में, और आप लोग देखिए बस्ती की ये बहुत फेमस दुकान है, इस दुकान पे चलो ठीक है। तो मजाक कर रहे थे यो बाबू लोग, हमारे देवर बाबू असली वाला। तो हेलो दोस्त लोग, फ्रेंड लोग, भाई बाबू बहनी लोग, पहुना लोग, आप लोग से एक बात कही, हम पहुंच गए बड़ी बस्ती में और ये बात प्रोग्राम बालाजी होटल में, और आपको तो जानते ही वाणी। और यहाँ देखिए हमार मतलब महादेव जी का होटल में एक बॉटल चाय लेके घूम रहा है और साथ में बट्टा कही के देख के तो हमको लालच लगेगा, शायद आपको लोग के लालच लगा थे दीजिए हमको भी। ये हमारा देवर है जो कि बस्ती में दुकान लगाते हैं, इनका सोडा फ्लेवर कोल्ड ड्रिंक का दुकान है जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये है रोडवेज है ना, ये रोडवेज पर है नेहरू तिराहा है जो आप लोग देख सकते हैं, चंदन कोल्ड ड्रिंक साहब और सोडा फ्लेवर डॉक्टर बीना मिश्रा के घर के सामने है, आप लोग देख सकते हैं ये रहा हमारा कोल्ड ड्रिंक का दुकान। ये कम से कम 10 साल से हमको बेच रहे हैं और भी मिले हैं पीछे, और हमारी जो दुकान है यहाँ पे स्थायी है, अभी 1 घंटे पहले ही बेच रहे थे मतलब दूसरी जगह भीड़ भाड़ में, अभी ये शाम को यहाँ लगाए हैं 4 बजे से लगाए हैं और ये 12 बजे बंद करेंगे, 12 बजे तक कस्टमर आते रहेंगे। तो ये खुद का कोई केमिकल नहीं है, खुद का घर पे बनाया जाता है, इसकी मशीन है फिक्स है, और आप लोग को पिए होंगे तो जानते ही होंगे। और बाबू हमारे पैसा का चीनी चीनी घोर के पैसा कमा ला मरने वाला, पैसा कमा चाहिए चीनी चीनी घोर के पानी घोर के मतलब चीनी पानी डाल के बेचारा पैसा कमाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं मेहनत भी लगता है। और यहीं पर रहते हैं जो कि मतलब बगल में दिखा देते हैं, बहुत बड़ा घर है पीछे, डॉक्टर बीना मिश्रा के रूम में रहते हैं। तो जितने भी भाई हमारे लोग हैं बाबू लोग हैं बस्ती के रहने वाले, अगर आप लोग को सोडा फ्लेवर कोल्ड ड्रिंक पीना होगा तो इन्हीं के दुकान पे आइएगा। अच्छा सामने से चंदन कोल्ड ड्रिंक सोडा साफ तो आप लोग देख सकते हैं, और कोल्ड ड्रिंक के दुकान से हमें क्या पी रहे हैं चाय, हमारा चाय देखिए कहाँ गया। तो देखिए हमारे महादेव चाय लेके घूम रहे हैं, तो किसको किसको चाय पीना है, अगर आप लोगों को पीना है तो कमेंट करिए कि पीना है भौजी, और नहीं पीना है तो भी बोलिए। और अभी हम लोग निकलेंगे प्रोग्राम है 8 बजे शाम से, तो अभी हम लोग खूब घूमेंगे ना, खूब घूमेंगे और मुझे बहुत काम करना है। तो हेलो फ्रेंड, यहाँ देखिए आप लोग, हम लोग जस्ट अभी पहुँचे हैं और आवाज कहाँ से आ रहा है? AC तो बंद मत करिए, रहने दीजिए। अच्छा वही आवाज कर रहा था, AC आवाज कर रहा था। हाँ तो अभी हम लोग जस्ट पहुँच गए हैं और आराम करेंगे, अभी आराम करेंगे, जैसे तैयार होके निकलते अभी फिर निकलेंगे तैयार होके,
तो हम लोग जाएंगे अवार्ड लेने के लिए। पहुना लोग नाश्ता मेकअप नहीं की कैले तब कल से गुरहर लागत है। अरे भाई कहाँ देख लो मिला लघी कलर डुट्टी एड़ो भाला। अरे भाई देखो कौन सुंदर लग रहा है, देखो देखो कौन सुंदर लग रहा है। तो चलिए बनी रहिए आप लोग ब्लॉग में। आप लोग जानते हैं हम लोग का खट्टा मिठा जो झगड़ा होता है ना, यही झगड़े हम थोड़ी ना दूर जाने का कारण यही झगड़ा करती है। बार बार आप लोग देखते होंगे झगड़ा कितना बोलती है रास्ते पर। मैं तो सह लेता हूँ, और कोई रहता तो सहता थोड़ी ना। कोई नहीं सहता, बस गोड़ गिर के 5 बार माफी मांग लेता। चलिए भैया जाइए आप लोग थोड़ा। भैया इनकी खाली भैया इतना मेकअप, अरे बाप अरे बाप, कहाँ पुताई हो भैया लोग इतना मेकअप, अरे बाप अरे बाप, पूरा बिछौनवा देख रहे, पूरा बिछौनवा मेकअप से भर गया दाता भैया लोग, कितना मेकअप, अरे बाप अरे बाप, अरे ये भगवान हो भगवान, ये झूठा जमाना आ गई भाई। भैया लोगन मेकअप से तो मेहरारू एकदम घरारा जाता है ना, हमके कदुआ बोलती है कि नहीं, ये मेहरारू उनके कदुआ बोलती है। अपने कितना मेकअप कर रही है भाई, मैं सादा सुधा है वो लवली भर लगाता हूँ, वो भी साला कईयों दिनों से कहता है एक हफ्ते में गोरा हो जाएगा, कईयों महीने से लगा रहा हूँ अभी तक गोरा नहीं हुआ हूँ। आप लोग बताइए मैं फिर लवली के खिलाफ कंप्लेन करूँ कि नहीं करूँ। एक महीने कई मैं बहुत दिनों से उसका प्रचार देख रहा हूँ कि एक हफ्ते भैया पैसा देनी हो, ब्रांड थी कौन ब्रांड है, कई महीना से लगावा तो ये खत्म कहला गुरहर हो जाएंगे। अब हम कितना हफ्ता हो गया पता नहीं, कितना हफ्ता भाई साहब मैं कुछ अभी भाई साहब मैं अभी कोई क्रीम नहीं लगाया हूँ, देख सकते हो आप लोग पूरा क्लोज कर दे रहा हूँ, तभी आप लोग देख लो एकदम जैसे सादा सादा आपका भाई है वैसे ही भाई है आपका। और आप लोग जो मेकअप करवा उसको देख लीजिए एक बार, मेकअप वाले को, तभी हम लोग जा रहे हैं अभी थोड़े देर में निकलने वाले हैं, प्लीज बात करिए प्लीज। अनुपमा जी को अवार्ड मिला है, आप लोग देख सकते हैं अभी अभी अनुपमा यादव को अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच सर सलील सिने अवार्ड, खासकर दिल्ली प्रेस हमारे बृहस्पति भैया, हमारे विवेक पांडे जी और जितनी भी टीम है, मैं सबका नाम कृष्णा भैया का सेम डायलॉग सबका नाम लेती रहूंगी तो किसी का नाम छूट जाएगा तो लोग नाराज जाएंगे। हमारे आशु भैया है, मेरा नाम है आपको हमारे अवार्ड अभी मिला है जो सुनील माझी जी को, और आप लोग या मुझे है मधु जी है अमित सर अमित सर है। मैं बृहस्पति भैया को दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा, विवेक भैया को दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा, और एक लाइन कहना चाहूंगा इस सरिस्तर ने लिखा है, मैंने एक किताब लिखी है, मैंने एक किताब लिखी है बखूबी बेहिसाब लिखी है, बखूबी बेहिसाब लिखी है, हरकत है इन कलाकारों का, हमने मोहब्बत बेहिसाब लिखी है। कविता यादव जी भी आई हुई है यहाँ पे, एक बार जोरदार ताली चाहेंगे। इन्होंने हमारे साथ दो गाने दिए हैं जो गाने आज भी परिवार में बजते हैं, पास जरूर होगी। तो प्रभु अगर राम है तो कहीं ना कहीं रावण है, अगर कहीं ना कहीं सत्य है तो कहीं ना कहीं असत्य है, कहीं कहीं शुद्ध है तो कहीं कहीं अशुद्ध है, तभी हर चीज की बैलेंस किया जाता है। मैंने अभी आपको दिखाया है समर सिंह और आपकी भाभी जी गोरखपुरिया भौजी दोनों एक साथ बैठी हैं, तो मैंने आप लोगों के अभी अभी जस्ट दिखाया, वो देखिए पीछे बैठी हैं कुछ बातें भी कर रही हैं, और यहाँ हमारे बाबा जी मोहनदास जी जोरदार तालियों के साथ अवार्ड दे रहे हैं। संजय भैया क्या बात है, डायरेक्टर को अवार्ड मिलता है, क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए प्लीज। रवि तिवारी और बहुत सारे ऐसे अवार्ड मैंने देखे जो मुझे यहाँ पे वो आपकी भाभी जी बैठी है, और ये देखिए अभी यहाँ पे प्रमोशन चल रहा है, जैसे ही अवार्ड का नंबर आता है तो आप लोगों से मिलाते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी ये देखिए यहाँ पे है बैठी, ये हाथ हिला रही हैं, और वो बगल में समर सिंह जी हैं, और प्रमोशन चल रहा है तो आप लोगों को मिला भी देते हैं, लेकिन क्या मिला है, यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं। सुल्तान अंसारी जी हैं जो अयोध्या के देश जमीन के वारिस हैं, सुल्तान अंसारी जी और बा बाब मोहनदास जो अयोध्या के राजगद्दी के अभी वारिस हैं। तो समस्या इस बात शायद आपको नहीं जानते होंगे कि हमारे गोरखपुर के रहने वाले यूपी बिहार के लोग हमारे भोजपुरी फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आप भाषिना होते हुए इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, एक सामाजिक फिल्म के लिए आपको पूरे बिहार भोजपुरी समाज की तरफ से आप सम्मान प्रमाण पत्र है हमारे सरस सलील की तरफ से। अगला अवार्ड जो है
हमारे मैं आप सभी को बताऊं कि एक कलाकार पिछले 6 घंटे से आप सभी को एंटरटेन कर रहे हैं और कलाकार अपनी मेहनत अपनी सच्ची लगन से कैसे कैसे आप देख रहे होंगे हम लोगों को किस तरीके से मैनेज करना पड़ता है और इतना मैनेज करने के बाद थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे बातें भी होती हैं, बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा बाबा बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है हमारे मंच पर इस वक्त, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस है और आज लीड फिल्म में कई फिल्में कर रही है, मेरा स्वागत करें। सबका वितरण निमंत्रण कर रही थी सबके प्रिय डॉक्टर माही खान, जोरदार ताली होना चाहिए। डॉक्टर रीता पांडे जी से गुजारिश करूंगा मंच पे आ जाएंगे। अभी आपको भाभी जी को अवार्ड मिल गया है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग गणेश जी को आप लोग देख सकते हैं, अभी अवार्ड हम लोग निकलने वाले हैं। तो अभी जैसे ही अपने होटल में जाते हैं तो आप लोगों से मिलते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सोशल मीडिया से हम लोगों को अवार्ड मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिंसिपल सर का, हमें अवार्ड बहुत अच्छे मिले हैं। किशोर जी जो सब कुछ करते हैं और हमारे बड़े भाई हैं सुमन भैया जो मेरे फिल्म में आपके भाभी जी से बहुत अच्छे चाहते हैं और मेरे को तो कोई रहा नहीं है, मैं तो पीछे बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ आने के लिए मुझे इस युग समझा तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू कौशल पांडे जी से गुजारिश करूंगा रोहित परिवार मंच पर आए, बाकी आप लोग हाँ हाँ मैम से दो शब्द जी जी आपको भाभी जी से लोग सब को मेरे से क्यों नहीं कोई सेल्फी ले रहा, मैं पीछे बैठा हूँ इसलिए क्या भाई सिने अवार्ड में मुझे आमंत्रित करने के लिए बृहस्पति जी, मैं भी हीरो हूँ यार मेरे से भी कोई सेल्फी ले लो। और मुकेश जी और भाई आपका एंकरिंग ने पूरा समय बांध के रखा था, थैंक यू मैम सबको एक साथ रखा और आप लोगों के कारण बृहस्पति जी के कारण यहाँ पे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को मिलने का मौका मिला और उनकी सुंदर परफॉर्मेंसेस को देखने का मौका मिला और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी कलाकार। अभी देखिए बाबा विजयन दास जी भी आ गए हैं और अभी हम लोगों का भी टाइम हो गया है तो हम लोग भी निकलने वाले हैं और जैसे ही अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होता है। क्या बात है डॉक्टर और हमारे भुवनेश्वर। हाय फ्रेंड, अभी हम लोग आ गए हैं रूम पे और ये देखिए उनको अवार्ड मिला है, कितना अच्छा लग रहा है आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए हमारे नाम से मिलल बा गोरखपुरिया भाऊ जी, फ्रंट कैमरा इसलिए उल्टा दिखेगा, नहीं नहीं उसमें सीधा दिखेगा, आप लोग उसमें सीधा दिखाई, आप लोग देखिए हमरा के फाइनली अवार्ड मिल गए और सिर्फ आप लोगों के बदौलत मिला, आप लोग सपोर्ट ना कर रहे थे तो आज एक घर में पकड़ पकड़ करे वाली झगड़े मेरा रुके अवार्ड ना मिले तो आप लोग बहुत सपोर्ट अच्छा लग रहा है। अब सुबह आप लोगों से मिलते हैं क्योंकि अभी हम लोगों को 2 बज गया है, रात में 2 बज गया, अभी हम सोएंगे फिर सुबह ही निकलेंगे तो चलिए मिलते हैं सुबह को, आपको ये वीडियो कल मिल जाएगा मतलब जब आप देखेंगे मिल जाएगा। तो हर हर महादेव, कैसे बानी आप लोग, सुबह गुड मॉर्निंग। आई देखिए हम सुबह सुबह के पार बा इनके अभी तक नींद लगल है बाटे, कहते उठा चले के तब बस 1 घंटा से जगावा थे, अभी इनके उठ के तैयार भेलिन तब हम इनके निकलता नहीं घर के लिए तो घर पे मिलता नहीं।